जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, इस लाइन को कितनी महत्वपूर्ण तरह निभाया है गोरखपुर के अनुज कुमार ने, जो मात्र 23 साल की उम्र में अपना खुद का एल्बम रिलीज करने जा रहे हैं। उनसे बात करते हुए मौजूद है अनुज जी, आपका एल्बम रिलीज हो रहा है, इससे पहले भी कई फिल्में आप रिलीज कर चुके हैं, इतनी कम उम्र में आपने कैसे सकती है? पहले मैं आपके न्यूज एटीन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 22 मिनट टाइम निकाल कर आए। सफ़र बहुत कठिन भरा रहा और अभी भी थोड़ा बहुत कठिनाई है, काम करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं। जहाँ तक रही बात एल्बम की, तो मेरी एल्बम पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी एल्बम है। जो इसके सिंगर हैं दुबई में रहते हैं, इसका शूट हम मोस्टली जो सिंगर दुबई से आ चुके हैं इंडिया चंडीगढ़ एल्बम की ऑडियो गाने के लिए, इसको शूटिंग 2 दिन के लिए होगी। उसके बाद से हम 27 अक्टूबर से दीपावली के दिन एल्बम को रिलीज करेंगे। हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ लोग धरती पे जीते हैं पैसे कमाने के लिए। हमने आज तक जो भी काम किए या हम जो भी काम करते हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सिंगल पहले, तो इस एल्बम से जो भी हमारे पैसे आएंगे, जो प्रॉफिट होंगे, जो किसी को हम इस एल्बम को रिलीज करेंगे, जो भी हमारे पैसे आएंगे, तो उस पैसे को हम डोनेट कर देंगे अनाथ बच्चों को, अनाथालय में बाढ़ में हम डोनेट कर देंगे उस पैसे को। उसके बाद से मेरी फिल्म आ रही है बैक टू बैक टीम, बॉलीवुड की 3 मूवी आ रही है, एक ग्रेट वेडिंग है और उसके बाद से एक लगन फितूर है, एक द वॉर है। तो 3 मूवी आई है बॉलीवुड की जो 2020 तक रिलीज हो जाएंगी, नवंबर से चालू होगी, जो 20 तक रिलीज हो जाएंगी। मेरी जो एल्बम में जो मेन लीड कास्ट है, जो एक्ट्रेस जिनको हम डेब्यू करा रहे हैं, मतलब बॉलीवुड स्टीम पर डेब्यू कर रही हैं तीसरी एल्बम के द्वारा, वो आपकी लखनऊ की रहने वाली पूरी मॉडलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हैं और उनका नाम नम्रता भाटिया है, आपकी लखनऊ की रहने वाली हैं। तो आप लोग के प्यार आशीर्वाद से और जो भी हमारे इस इंडस्ट्री के श्रोता हैं, जो देखते हैं, जिनके द्वारा इंडस्ट्री चल रही है, उन सभी के आशीर्वाद से हमें पूरी उम्मीद है हमारे सभी प्रोडक्शन के टीमों के द्वारा कि एल्बम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा चलेगा। सब लोग का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। एल्बम ठीक है, एल्बम पंजाबी है, हिंदी एल्बम कब बनाएंगे? बहुत जल्द, 7 दिन के अंदर आपको उसका भी हम बता देंगे। बहुत जल्द हम नेहा कक्कर जी और नूर रंधावा का एल्बम शूट करने जा रहे हैं और जिसके लिए रिकास्ट होना ज़रूरी है, मतलब रिकास्ट करेंगे तो उसका लीड कास्ट अभी कास्टिंग नहीं होगा, तो उसका रिकास्ट करके हम उसके बारे में मीडिया से और अपने सोशल साइट पर भी। इतनी कम उम्र में जहाँ तक पहुँचेगा जो श्रेय किसको देखते हैं, कैसा लगा है पहुँचने? देखिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसका श्रेय हम, जैसे मैं आपको नहीं पता बता रहे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सब लोग हैं लेकिन 11 साल से हम अकेले रहते हैं और यहाँ तक हम जो भी पहुँचे हैं उसमें हम श्रेय बहुत सारे लोग हैं जो हमको हौसला देते हैं। मेरे लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे को ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। हम काम को बहुत शिद्दत और बहुत जुनून के साथ करते हैं और हमारे लिए हमारे जीवन में हमारे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के लिए इतनी कुछ नहीं है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम और काम को हम बहुत इज्जत कदर करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ तक। अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्ट कब करेंगे, फिल्म डायरेक्टर कब बनेंगे? सर कोई हमें ना इच्छा है ना अपेक्षा है कि हम फिल्म को डायरेक्ट करें, हमें कोई दूर दूर तक हम सोचे नहीं है कभी कि हम फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, नथिंग। हम फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे चीज़ों पर वो आगे बढ़े, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ उनकी फ्यूचर ब्राइट करें, इसके लिए फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैमरे के पीछे रहते हैं आप, कभी लगा कैमरे पे आया जाए, दिखाया जाए लोगों को टैलेंट अपना? हमारी मम्मी कहती थी कि बेटा अच्छा कर्म किया कर उसका श्रेय कर्म मिलेगा, तो हम कर्म करते हैं उसका श्रेय मिलेगा। दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, उसके ऊपर हम ले जाते हैं। मेरा सिद्धांत है अच्छा कर्म करिए उसका श्रेय कर्म मिलेगा, भगवान देखेंगे, दुनिया देखेंगे, खुद श्रेय मिलेगा। एल्बम को शूट कहाँ पर किया जा रहा है? शूट किया जाए एल्बम को चंडीगढ़ और दुबई में शूट किया जाएगा, चंडीगढ़ और दुबई में एल्बम को शूट किया जाएगा और 27 अक्टूबर को दीपावली के दिन इसको रिलीज करेंगे तीसरी जो जी म्यूजिक के चैनल पर। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, कोई ऐसा एल्बम बनाए कि लखनऊ में शूट किया जाए, यहाँ के लोगों का नाम बढ़ाइए लोगों को? पहले तो हमारा जन्म स्थान बिहार में है। अच्छा, मेरा पढ़ाई लिखाई गोरखपुर में हुआ है और शुरुआत मेरी लाइफ का जो दिन है दिल्ली से हुआ, मुंबई गया, मुंबई से दुबई गए, आज आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से हर कुछ भगवान ने दिया है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं भगवान ने दिया है, वो प्यार परिवार का प्यार, तो आप लोग हैं तो पूरा हो जाता है। जहाँ तक रही बात लखनऊ की, जो हम बॉलीवुड जो एल्बम करने जा रहे हैं वो लखनऊ में शूट करेंगे, जो हिंदी एल्बम करने जा रहे हैं नेहा कक्कर गुरु रंधावा जी का, वो एल्बम हम लखनऊ में ही शूट करेंगे। फाइनली पूरी शूटिंग लखनऊ में होगी और उसकी नवंबर में शूटिंग होगी। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए एल्बम के लिए। तो ये हमारे मतलब अनुज जी, इनका नया एल्बम का पोस्टर रिलीज हो रहा है और 27 अक्टूबर को वो लोगों के बीच में आएगा। अब देखते हैं किस तरह का एल्बम है और क्या इस पर कौन होता है। अतीक अहमद, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।
वो देखिए कि पहले लाइव चला गया कि नहीं, मेरी टीवी डाउट है। नहीं चला है, चला है। कितना देर चला है? बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? पूरा चला। अच्छा पूरा चला है, अभी शेयर होगा तो हम लोग देखेंगे। कितने लोग लेगा? 20 लोग लेगा। मेरा चेहरा ही नहीं है। अबे यार क्या कर दिए।